सो हेलो गाइस, केम छो, मजामां? मैं हूँ जाला ब्रिटिश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा X300 की, और ये वेरिएंट की अगर हम बात करें तो W6 सनरूफ एनटी वेरिएंट ये फिलहाल आप देख रहे हैं। एंड इसका एक्सशोरूम के प्राइस की अगर हम बात करें तो 1,00,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग चली जाएगी। देखे ओवरऑल तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एंड इसमें आपको जैसे कि वेरिएंट में का नाम भी ऐसा है कि आपको W6 सनरूफ, तो ऑल्दो इसमें आपको सनरूफ दी जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, तो काफ़ी एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है। जैसे अब सनरूफ चाहिए होगी और वो भी W6 वेरिएंट में आपको दी जाती है। एंड ऑल्दो देखे तो आपको फ्रंट का लुक है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है। एंड यहाँ पे फ्रंट पे देखे तो आपको यहाँ पे जो हेडलाइट है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको फॉग लैंप दिए जाते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो यहाँ पे आपको है कनेक्टेड DRL दी जाती है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको कोई DRL नहीं उपलब्ध किए जाते। यानी इसके ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो आपको 180mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। एंड फ्रंट में देखे आपको ऐसे कुछ इसको ग्रिल दिखने वाले काफ़ी देखे तो इसके जो डिज़ाइन है वो बाहर के कार से ली गई है, ये एक इंस्पायर है। एंड इसके ऊपर ही आपको इसमें अब EV भी आने ही वाली है। ऑल्दो देखे तो आपको फ्रंट का लुक है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इसका लुक रखा गया है। सेफ्टी की बात करें तो सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट कार अगर कोई है तो वो है X300। तो आपको सेफ्टी वाइज तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, ABS CVT ऐसे स्टैंडर्ड फीचर तो दिए जाते हैं। ये गाड़ी है प्रॉपर 5-स्टार रेटेड है, एंड इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है X300। एंड ऑल्दो यहाँ पे देखे बोनेट पे, तो यहाँ पे देखे आपको डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बोनेट को है थोड़ा सा एज 3D डिज़ाइन यहाँ पे दी जाती है। इस इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर टर्बो इंजन जो प्रोड्यूस करता है 108 BHP की पावर एंड 200 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस कर लेते हैं। देखे तो ओवरऑल इसके सेगमेंट में पावर स्पेक्स देखे तो सबसे ज़्यादा इसके पावर स्पेक्स वो निकल के आते हैं इन डीजल वेरिएंट। पेट्रोल में इसके ऊपर कई गाड़ियाँ चली जाती है, लेकिन अगर इसका डीजल वेरिएंट देखते तो इसमें आपको काफ़ी हद तक अच्छी पावर दी जाती है। पावर टू वेट रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है X300 का। एंड साइड से देखे तो कुछ इस तरह से इसका साइड का लुक है वो निकल के आता है। साइड पे देखे तो आपको कुछ इतना पूरी बॉक्सेस से डिज़ाइन दी जाती है। एंड इसके टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको व्हील कैप दी जाती है, कोई आपको एलो नहीं दिए जाते। एंड फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक उपलब्ध किए जाते हैं। एंड इसके टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 205x65R 16 इंच की इसमें आपको टायर दिए जाते हैं। नहीं आपको टायर्स है वो आपको ट्यूबलेस उपलब्ध होते हैं। एंड ये जो टर्निंग टिकट है आपको फेंडर पे मिलेंगे, आपको ओवर व्हीम पे अगर टर्निंग की डर आते तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती। एंड यहाँ पे देखें तो ये जो कलर है वो आपको सिल्वर कलर में दिए जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक उपलब्ध किए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें आपको फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो 42 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एंड रियर पे देखें तो आपको कुछ इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है वो दिखेगी। एंड इसकी जो टेल लाइट हो, इसके जो डिज़ाइन हो, काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पसंद आते। वो आपके टेस्ट पे जाएगा कि आपको कितना पसंद आ रही है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको X300 की बेजिंग, एंड फ्रंट में यहाँ पे आपको है महिंद्रा का पुराना ही लोगो मिलता है। अगर आप अपडेट कर दी थी यहाँ पे महिंद्रा थी का काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, उनके जो नया लोगो है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में। एंड इसके बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो आपको 257 लीटर्स के इसमें आपको बूट स्पेस देखने वाला है। एंड यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई बूट लाइट नहीं दिए जाती, एंड यहाँ आपको कोई चार्जिंग सॉकेट भी नहीं दिया जाता है। एक बूट लाइट और चार्जिंग सॉकेट तो अब बूट में होना एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है। इसके बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो सेगमेंट सबसे कम इसका जो बूट स्पेस वो माना जाता है। इसके ऊपर है आपको ब्रेजा है, नेक्सोन, उसके सारे जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू द X300। एंड यहाँ पे आप देखें तो आपको पूरी यहाँ पे आइसोलेशन दी गई है। अब इन पेज कलर कई गाड़ियों में आपको ब्लैक कलर की पेजिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको X300 में पेज कलर की यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग दी गई है। एंड इसके वेट की भी हम बात करें तो इसका जो बूट लीड का वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और जो ये 5-स्टार गाड़ी है तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी एक डोर थर्ड है, बोनेट का थर्ड है देखे तो इतना आपको साउंड निकल कर आ रहा है बूट लीड का। तो अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस में, तो आपको रियर में कितना स्पेस मिलता है। तो
यहाँ पे कुछ देखे तो फ्रंट डोर है कुछ इस तरह से दिखे। कई गाड़ियों में क्या होता है कि स्पीकर की प्लेसिंग वो यहाँ पर होती है, बट यहाँ पे आपको जो स्पीकर है वो यहाँ पे दी गए हैं। इसके स्पीकर की अगर हम बात करें, इस वेरियंट में आपको 4 स्पीकर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको जो पावर विंडोज के बटन है आपको सिल्वर फिनिशिंग दी जाती है, एंड ये जो डोर हैंडल है आपको प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ आती है। अगर आप इसे टॉप वेरियंट बाय करोगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दी जाती है। और ऑल्दो इस वेरियंट में आपको कोई सन ब्लाइडर नहीं आता, एंड यहाँ पे आपको देखे तो दोनों जो हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलेंगे, एंड बीच में कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं उपलब्ध किया जाता। तो चलिए बैठते हैं। इसके अंदर आपको कितना स्पेस मिलता है, तो इसकी एंट्री और एग्जिट है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। आप जैसे इसके अंदर बैठोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एंड इसकी जो सीट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ है एंड काफ़ी सॉफ्ट है। इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको बैठने में और लॉन्ग ट्रिप जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके हेडरूम में वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, एंड यहाँ पे देखिए कितनी स्पेस है वो भी काफ़ी हद तक मुझे मिल रहा है। एंड बूट स्पेस वो आखिर कम क्यों हुआ है उसका रीज़न अब मुझे पता चला कि वेन्यू आती है वहाँ पे आपको जो इतना ज़्यादा कितनी स्पेस नहीं मिल रहा, लेकिन आपको 100-300 में इतना स्पेस मिल रहा है। तो ऑल्दो यहाँ पे वेन्यू वालों ने यहाँ पे कुछ कैप करके यहाँ पे बूट पे आपको बूट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, लेकिन 100-300 में आपको जो पैसेंजर का कंफर्ट है उसे ध्यान रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिया गया है। दोनों चीज़ एक तरफ से सही है, एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 लोगों को बैठने की बात है तो आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बम्प है वो एकदम कंट्रोल में रखा गया है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं आता, तो जो बीच में बैठने वाला है उसे अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। तो और दो यहाँ पे कंफर्टेबली 3 लोग हैं वो आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहीं कहीं पर भी आपको जो एसी वेंट है रियर एसी वेंट वो नहीं दिए जाते। एंड यहाँ पे आपको ग्रेबेंडर्स एंड बीच में आपको रेलिंग लाइट जो आएगी हेलोजन लाइट। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट स्पेस की, क्योंकि आपको फ्रंट में स्पेस मिलता है। तो देखे तो फ्रंट डोर तो आपको कुछ इस तरह से इसका फ्रंट डोर दिखने वाला है। यहाँ पे आपको सारे पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल जो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ दिखने को मिल गए। यहाँ पे आपको ORVM हो या आप यहाँ से इलेक्ट्रिक वे में एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल कोई सीट नहीं मिलती, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्लाइनेबल सीट दी जाती है यहाँ पर। एंड बैठते हैं इसके अंदर तो कुछ इस तरह से आपको पूरा डैशबोर्ड है वो दिखने वाला है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड पेज कलर का पूरा इंटीरियर दिया जाता है, एंड यहाँ कहीं पर भी आपको जो सॉफ्ट टच मटेरियल है उपलब्ध नहीं किया जाता है। एंड ऑल्दो यहाँ पे देखे तो आपको 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। पहले एक गाड़ी है थोड़ा सा इसका जो इनिमेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको पूरी डैशबोर्ड दिखने वाला है। यहाँ पे आपको 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे महिंद्रा रेस आपको यहाँ पे कोई आपको टच स्क्रीन नहीं दिया जाएगा, कोई सिर्फ और सिर्फ इसमें आप ब्लूटूथ है रेडियो ये सारी चीज़ें ही कर सकते हैं। एंड यहाँ देखें तो स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको यहाँ उपलब्ध किए जाते, कोई क्रूज कंट्रोल नहीं आता इस वेरिएंट में। एंड जो स्टेरिंग व्हील सिर्फ आप टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता। एंड यहाँ पे आप देखें ग्लोव बॉक्स पे तो कुछ इतना आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, काफ़ी इसका जो ग्लोव बॉक्स है डीप है, आप इसके अंदर काफ़ी हद तक अपना कोई भी सामान वो रख सके। देखिए कितना बड़ा है यहाँ का सन, यहाँ तक मेरा हाथ है वो पहुँच भी नहीं रहा भाई, उतना स्पेस है इसमें। आप यहाँ पे काफ़ी हद तक मतलब मैं कहूँ तो 3-4 बोतल था आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। यहाँ ऊपर भी आपको स्पेस है वो दिया जाता है। यहाँ नीचे देखें तो आपका जो मोबाइल है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक यहाँ पे USB टाइप ए पोर्ट, फॉक्स पोर्ट, एंड यहाँ पे आपको जो ड्यूल जन AC मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसके जो AC के कंट्रोल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जैसे कि देखे अगर ये फिलर यहाँ पर तो ये ऑफ है AC, लेकिन जैसे मैं इसे ऑन इस तरफ करूँगा हमारा जो AC होगा वो ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर हो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लीला वाला बटन है उससे आपका जो टेम्परेचर वो ठंडी की तरफ चला जाएगा। एंड यहाँ पे रेड कलर से तो आपका जो AC वो हीटर की तरफ चला जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 3 मोड दिए जाते हैं जो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें फिलहाल ये स्पोर्ट्स मोड पे है, इसमें आप कंफर्ट एंड नॉर्मल मोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे है आपको माइलेज है, ट्रिम टू MT है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध की जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ अगर आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेट है, ट्रिप है, यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध की जाती है। काफ़ी इसके जो बटन की प्लेसिंग वो ऑड है, वरना तो कई गाड़ियों में क्या होता है कि आपको यहाँ प्लेस किए जाते, लेकिन 100-300 में आपको जो बटन है वो यहाँ पे आते हैं। आपको यहाँ पे देखें तो आपको ट्रिप है, टाइम है,
माइलेज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती है। एंड ओवरऑल इसकी फील देखे, सीट का कंफर्ट देखे ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे आपको कॉर्नर भी कुशन दिए गए, जिसकी वजह से ना आप जिसे हाईवे पर चलाओगे या माउंटेन पे भी चलाओगे तो एकदम आपकी कार को ग्रिप करके चलाओगे, आपको ऐसे फील आएगी। एंड यहाँ पे देखे तो सन ब्लाइंडर की, तो यहाँ पे आपको कोई मिरर नहीं आता। एंड इस तरफ देखे तो आपको मिरर दिया जाता विद द लाइट्स। एंड इस वेरिएंट की मेन हाईलाइट है वो है यहाँ की सनरूफ भाई, कुछ इतना आपको सनरूफ दी जाती, इतना आपको अमाउंट में इसके जो सनरूफ है खोलेगी तो भाई आपको कुछ इतना आपको स्पेस दिया जाए प्रॉपर, इसके जो सनरूफ है यहाँ तक खोल जाती तो आराम से दो बंदे हो यहाँ पे निकल सकते हैं अगर उनको निकलना हो। मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप सनरूफ से निकले, लेकिन आप सभी लोग तो भाई इसी के लिए लेते हो, तो हाँ आप एक बार तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस करना एक ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे एक नेचर के करीब जाते हो, कम स्पीड पे चलते हो तो आप निकल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड यहाँ पे देखे तो आपको 2 cup holders, एंड जो ये आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं होता। आपके अंदर नीचे देखे तो आपको ये जो स्पेस है वो खुला मिलता था, आपको कुछ पेपर होता आप सीधा यहाँ पे रख सकते हैं, अपना कुछ वॉलेट वॉलेट भी है वो यहाँ से ही रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना वॉलेट है वो डायरेक्टली डाल भी सकते हैं, इसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फीचर हो इनेबल और डिसेबल करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जो आरओएम देखे तो कुछ इस तरह से आपको इसका आरओएम देखने को मिलेगा, इसकी जो साइज थोड़ा सा छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिलता है। एंड इसकी लाइट्स की अगर हम बात करें तो आपको हेलोजन लाइट्स दी जाती है यहाँ पर। सो भाई अब बात आते हैं इसके कंक्लूजन के, क्या आपको XUV 300 का W6 सनरूफ वेरिएंट है वो लेना चाहिए नहीं। तो भाई अगर आपको सनरूफ ही चाहिए और अच्छी खासा आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा खासा आपको पास पैक चाहिए जो आपको चलाने में मज़ा आए गाड़ी को, तो डेफिनेटली आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते हैं XUV के। एंड ओवरऑल आप देखें XUV 300 प्रोडक्ट भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेफ प्रोडक्ट माना जाता है अपने अंदर, और महिंद्रा की जो अब सर्विस नेटवर्क है, सर्विस एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक सुधर गया है। तो डेफिनेटली अगर आप एक सेफ कार चाहते हैं, एक सनरूफ वाली कार चाहते हैं, अच्छा खासा फीचर भी चाहते हैं, तो ये वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो आप इसे बेझिझक बाय कर सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।